असलकम आज हमारा उर्दू ग्रामर का दूसरा लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लफ्ज़ और इसकी अकसाम इसको बयान करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि लफज क्या होता है इंसान अपनी जबान से जो कुछ बोलता है या दूसरों से सुनता और समझता है मतलब दुनिया के अंदर जो कुछ भी बोला जा रहा है जो कुछ सुना जा रहा है जो कुछ समझा जा रहा है ये सारा लफज ही होता है मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं प्याला अब पे अल्लाह भी कोई इंसान बोल रहा है कोई सुन रहा है और कोई इसे समझ रहा है इसी तरह किताब है इसी तरह गिलास है मेज है तो वगैरह वगैरह मतलब ये सारी एग्जाम्पल हैं लफज की इसके बाद आ जाती हैं लफज की दो इकसाम तो लफज की दो इकसाम होती हैं एक किस्म का नाम है लफ्जे मौजू जबकि दूसरी किस्म का नाम है लफ् ममल तो लफ्ज मौजू को कलमा भी कहते हैं तो लफ मौजू क्या होता है वो लफ्ज़ होता है जो कोई ना कोई मानी दे यानी कहने और सुनने वाले को कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आए मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं रोटी अब रोटी का मतलब है कि रोटी एक चीज़ होती है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमारी भूख इससे मिट जाती है इसी तरह चाय है इसी तरह सच है खेत है फिर आप बात कह सकते हैं इसी तरह भीड़ कह सकते हैं पानी कह सकते हैं तो ये सारी एग्जाम्पल हैं लफ्ज मौजू की मतलब जिनका कुछ ना कुछ मानी हमारी समझ में आए वो होते हैं लफ्ज मौजू अब हम लफ्ज की दूसरी किस्म लफ्ज ममल को बयान करते हैं ये ऐसा लफ्ज होता है जो हो यानी कहने और सुनने वाले की समझ में कुछ ना आए मतलब जो कह रहा है उसको भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है और जो सुन रहा है उसको भी नहीं पता कि ये क्या कह रहा है तो ऐसे लफ्ज को लफ मोमल कहते हैं मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं वोटी इसी तरह आप कह सकते हैं वाय इसी तरह कह सकते हैं मुछ। इसी तरह वेद। फिर चीत भाड़ और फिर वानी अब अगर बात करूं ऊपर और नीचे मिलाकर मतलब लफ्ज मौजू लफ्ज़े लफ्ज मोमल को ऊपर हमने रोटी का नीचे हमने वोटी का तो रोटी का पता है वो लफ्ज मौजू है वोटी का नहीं पता तो ये लफज मोमल है इसी तरह ऊपर हमने चाय का, नीचे हमने वाय का तो ऊपर चाय का तो चाय का मतलब पता है वाय का मतलब पता नहीं तो चाय लफ्ज मौजू है और वाय लफज मोमल है तो इसी तरह एग्जाम्पल है इसी तरह अगर मैं ये यूं कह दूँ के ऊपर पानी है और नीचे वानी है तो पानी लफ्ज मौजू है और वानी लफ्ज ममल है इसी तरह ऊपर खेत है और नीचे वेत है तो खेत का मतलब पता है तो इसलिए वो लफ्ज़ मौजू होगा और वेद हमारे पास लफ् मोमल होगा तो सिंपल अगर हम बात करें तो यूँ है कि लफ्ज़ जो होता है इंसान जो कुछ बोल रहा होता है सुन रहा होता है समझ रहा होता है वह लफज होता है इसकी दो इकसाम होती हैं लफ् मौजू और लफ्ज मोमल लफ्ज मौजू ऐसे लफ्ज होते हैं जिसकी मतलब समझ आ जाती है और लफ्ज ममल ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी समझ नहीं आती तो ये था लफ्ज़ और उसकी इकसाम हमारा उर्दू ग्रामर का कोयद उर्दू का दूसरा लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में उस वक्त अपना ख्याल रखिए मुझे इजाज़त दीजिए टेक केयर अल्लाह हाफ